गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है फूड एंड फन, इसमें हम आज आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम क्लास लिखते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस और टॉपिक है हमारा टॉपिक है आज टाइप्स ऑफ फूड। फूड तो मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि खाना जो भी हम खाते हैं, चाहे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, जो भी हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फूड। तो इस फूड की आज हम टाइप्स पढ़ेंगे कि फूड की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जितनी भी फूड्स हैं उनकी थ्री टाइप्स होती है, यानी कि फूड जो है थ्री टाइप्स की होती है। नंबर वन बॉडी बिल्डिंग फूड। सेकंड है एनर्जी गिविंग फूड। और तीसरी है प्रोटेक्टिव फूड। यानी हमारी फूड के जो है थ्री टाइप्स हैं। पहली है बॉडी बिल्डिंग फूड, दूसरी है एनर्जी गिविंग फूड और तीसरी है प्रोटेक्टिव फूड। तो हम सबसे पहले अब पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड होती क्या है? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज फूड्स मेक अस ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स, सोयाबीन, मीट, फिश एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब बच्चों जो बॉडी बिल्डिंग फूड होती है उसमें ज्यादातर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो आपको पता है ये प्रोटीन्स हमारी फूड में कौन कौन सी फूड में होते हैं? ये सबसे पहले मिल्क में होते हैं, यानी मिल्क जो है उसमें प्रोटीन्स होते हैं। दूसरे किस में होते हैं? एग्स में होते हैं, फिश में होते हैं, और फिश के बाद किस में होते हैं? मीट में होते हैं। ये अभी फिलहाल हम बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में पढ़ रही हैं कि इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और वो प्रोटीन्स किस किस मटेरियल में कंटेन होते हैं? दूध में होते हैं, अंडों में, मछली में, मीट में और बीन्स में होते हैं, ठीक है, दालों में होते हैं, पल्सेस, PULSES, पल्सेस, और जो ये नट्स होते हैं उनमें होते हैं, NUTS, नट्स में होते हैं, और किस में होते हैं? जो भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और सोयाबीन्स में होते हैं, सोयाबीन जो हम आलू में डाल के बनाते हैं, और आपको खासकर मिड डे स्कूल में भी मिड डे मील में मिलता है सोयाबीन। तो ये सारी जो आइटम्स हैं ये सारी हमारी बॉडी को क्या करती हैं, बनाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये चीजें हमें जरूरी खानी होती हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, सेकंड इसका एनर्जी गिविंग फूड्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस द एनर्जी। कौन हमें एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? ताकत देता है कि हम काम करने के काबिल
हो जाते हैं। तो ये जो है ये हमें अच्छी मिकदार में अच्छी क्वांटिटी में खाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सबको एक ही क्वांटिटी में खाने हैं। कुछ लोगों को फैट्स बंद होते हैं कि उनको फैट्स कम खाने होते हैं, मतलब फैटी आइटम्स जो होते हैं उनको कम लेने होते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो शुगर है यानी कि चीनी एंड स्टार्च, ये जो है इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्टार्च आपको पता ही होगा, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बना के वो जो उसमें जब चावल पक जाते हैं तो उसमें वो एक पानी जो होता है लेसीला पानी होता है जिससे चिपचिप होता है, तो वो पानी हमें फेंक देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है जिनको शुगर वगैरह होती है, तो जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उस स्टार्च को क्या करते हैं बच्चे, शुगर और जो स्टार्च है, शुगर तो आप जानते हो चीनी होती है। दीज फूड्स गिव अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं ये हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं और काम करने की एनर्जी देते हैं, जिससे हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि हर कोई काम अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, वो तो आप जानते हो कि जो शुगर होती है मिठास चीनी, ये किसमें होती है, प्रेजेंट होती है फ्रूट्स में, प्रेजेंट इन फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट्स हैं आपने देखा होगा, जैसे सेब है, आम है, केला है, तो इन सब में क्या होती है, फ्रूट्स में शुगर होती है, नेचुरली शुगर होती है। हनी बीट रूट एंड शुगर कैन स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो टॉबिको एंड यम। तो आप जानते हो कि जो शुगर कैन है यानी कि गन्ना जो है उसमें भी, शुगर कैन इसमें भी शुगर होती है, यानी शुगर कैन में भी मिठास होती है, और हनी जिसको शहद बोलते हैं उसमें भी शुगर होती है। तो अब है कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस किस आइटम्स में होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो किस में होते हैं, चावल में होते हैं, राइस में, वीट में जिसकी हम चपाती बना के खाते हैं, फुलका बना के खाते हैं, और पोटैटो आलू में होती है, पोटैटोज में, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें हैं इनमें एक तो स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये जो है इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इफ फैट्स आर नॉट यूज्ड अप इन द बॉडी इट इंक्रीजेस द बॉडी वेट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब बच्चों आपको मैंने बताया कि फैट्स जो है ये हमारी बॉडी में एनर्जी तो लाते हैं, लेकिन ये फैट्स जो है हमारी बॉडी का जो है वेट बढ़ा देते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है ये हैवी हो जाती है। यानी कोई इंसान अगर पतला होता है वो फैटी चीजें ज्यादा खाएगा तो दिन ब दिन उसकी जो ये है सेहत जो है वो मोटा होने लगेगा, उसका वेट बढ़ने लगेगा। तो ये हमें फैटी चीजें कम खानी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऑल ऑयली फूड हैव फैट इन देम। ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंड नट्स, कैश्यू नट्स, कोकोनट्स, वेजिटेबल घी, बटर, मिल्क, चीज, एग्स हैव फैट इन। तो अब लिखते हैं हम कि फैट्स किस किस आइटम में होता है, यानी अब देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का तो मैंने बताया कि राइस वीट, और मैंने आपको बताया कि इसमें वीट में होता है, राइस में होता है। अब पढ़ेंगे हम फैट्स जो है वो किस किस फूड आइटम में होता है। फैट्स होता है ऑयली थिंग्स में, ऑयली थिंग्स हो गए जैसे नट्स होते हैं, और आपने देखा होगा घी होता है, घी में भी होता है ऑयल। हाँ अच्छा, फिर है बटर, मक्खन अगर कोई ज्यादा खाएगा तो उससे भी थोड़ा मोटा हो जाता है इंसान। मिल्क में, एग्स में, और इसके बाद लिखेंगे हम चीज में। चीज जानते हो क्या होता है,
पनीर, CHEESE चीज। तो ये जो हैं इनमें क्या होता है, फैट्स होते हैं। तो ये हम जितनी क्वांटिटी में खाएंगे उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी है उसका वेट बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें हमें लिमिट्स में खानी चाहिए। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास टाइप कौन सा है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी प्रोटेक्टिव फूड्स। अब जो ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, यानी कि वो फूड जो हमारी सेहत को फिट रखती है, हमें बीमारियों से बचाती है, हमें अच्छी तरह से सेहतमंद रखती है, हमारी सेहत ठीक रहती है, हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, बाल हैं, स्किन है, ये सब इससे फिट रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जो ये प्रोटेक्टिव फूड होती है इसमें दो आइटम्स होते हैं, एक तो होता है इसमें मिनरल्स और दूसरा होता है इसमें क्या होता है, दूसरा विटामिन्स। तो जो ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं इसमें दो आइटम्स हैं, एक तो मिनरल्स हैं और दूसरा विटामिन्स हैं। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी को ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के साथ साथ इसमें ये हमारी एक तो बोन्स मींस जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो दांत हैं वो इससे ठीक रहते हैं प्रोटेक्टिव फूड से, और जो हमारे बाल हैं यानी कि सिर के बाल जैसे हमारे हैं तो वो भी प्रोटेक्टिव फूड से ठीक रहते हैं। और चौथा लिखेंगे हमारी जो स्किन है ये भी इससे प्रोटेक्टिव फूड खाने से ठीक रहती है। तो ये जो फूड है इसमें क्या क्या मतलब आइटम्स आते हैं, इसमें फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं। हर कोई फ्रूट जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है, एप्पल है, चेरी है, ग्रेप्स हैं, तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। यानी इनको खाने से हमारी बॉडी के जो भी कोई डिफेक्ट्स बोन्स में, टीथ में, हेयर, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे दूर हो जाती है। और इसमें क्या आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, वेजिटेबल्स। तो ये जो वेजिटेबल्स में आपने देखा है बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, खासकर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियां। अब प्रोटेक्टिव फूड्स जो है ये हमें क्या खानी चाहिए, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हर कोई, जैसे ऑरेंज है, इसमें मैंगो, बनाना, जितने भी फ्रूट्स हैं हर कोई फ्रूट्स हमें खाना चाहिए, जूसी फ्रूट्स खाने चाहिए। जूसी फ्रूट्स में आता है ऑरेंज आता है, वाटरमेलन है, मेलन है, तो इसी तरह से जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें खाने चाहिए। और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में खासकर जितनी लीफी वेजिटेबल्स है, पत्तेदार हरी सब्जियां जो हैं वो हमें खानी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रहती है और हमारी बॉडी को किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं लगती है। तो उससे हमारी हड्डियां, दांत सब बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो आज हम अपना टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।